माता दी गाइस, तो आज मैं राम हलवा बनाऊंगी, हलवा पूरी। ये कन्याओं के लिए भोग बनाया है मैंने यहाँ पे, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे ये मैंने चना हलवा पूरी बनाई है, तो बहुत ही इजीली बन गई थी फटाफट से। माता रानी का आशीर्वाद है। तो यहाँ पे हमें 1 कप चना ले लिया, इसमें सेंधा नमक डालेंगे। आप कोई सा भी नमक डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये नमक डाला, थोड़ा सा पानी डाल के इसमें 2-3 सीटी डालेंगे जब तक हम हलवा बनाते हैं। तो यहाँ पे 2-3 टेबल स्पून मैंने घी डाला हुआ है शुद्ध देसी घी। यहाँ पे 1 कप सूजी है, इसको अच्छे से ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। 10 सीटी भी लग चुकी है, ये देख, ये अच्छे से भून चुका है, ये ब्राउन कलर छोड़ दिया है सूजी। अब यहाँ पे मैंने भर के ही 1 से 1 कप चीनी डाली है सेम क्वांटिटी में, और बस यहाँ पे पानी डालेंगे और इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे जब तक हमारे चने भी अच्छे से रेडी हो चुके थे। तो यहाँ पे देखिए, ये सूजी का हलवा परफेक्ट बन चुका है जो हमें कन्या भोज के लिए बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसमें 1-2 टेबल स्पून घी डाल दूंगी और फटाफट से दानेदार हलवा हमारा फटाफट से रेडी है। यहाँ पे मैंने ये आटा भी लगा के रखा था, तो यहाँ पे मैं फटाफट से ये इनकी लोइयाँ तोड़ लूँगी और पूरियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं जो मीडियम साइज़ की पूरियाँ हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, बच्चों को इधर उधर से खाने को मिल जाता है नवरात्रि में, तो फिर वो इतना नहीं खाते, तो आप छोटा छोटा ही बना सकते हो। तो मैं इनको यहाँ पे जितना मेरे आएगा कढ़ाई में उतना मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने पहले चेक कर लिया था, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे ये फूली फूली पूरियाँ हमारी निकल के रेडी हैं। तो यहाँ पे मैं 1 प्लेट में निकाल लूँगी और सारी पूरियों को हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो ये माता रानी का प्रसाद बन चुका है भोग के लिए, कन्याओं के लिए। तो देख ही सकते हैं यहाँ पे ये हलवा है, कितना बढ़िया लग रहा है ना हलवा। यहाँ पे मैं कुछ भी सिंपल सा बनाया है, यहाँ पे मैंने उनके लिए रेडी कर लिया है। अभी इसमें मैं बतासे नारियल वगैरह रखूँगी, जो हमारे यहाँ पूजा जाता है हमने वैसे ही किया है। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी गाइस।